क्या इच्छाधारी नाग होते हैं? जाने सच को। भारत में नागों की सबसे ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। प्राचीन काल से प्रचलित है कि एक ऐसा नाग होता है जो इच्छाधारी होते हैं, अर्थात किसी का भी रूप ले सकते हैं। हिंदू धर्म में नाग पूजा का प्रचलन प्राचीन काल से ही रहा है। हिंदू पौराणिक कथाओं कहानी में तरह तरह के नागों के बारे में उल्लेख मिलता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में यह एक ऐसी कथाओं में यहाँ एक ऐसे कोबरा जाति का नाग होता है जो 100 वर्ष की उम्र पूर्ण करने के बाद रूप बदलने की क्षमता प्राप्त कर लेता है और फिर वह सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहता है। ऐसा कहा भी जाता है कि नागों में कुछ ऐसे नाग होते हैं जो सभी तरह का ज्ञान रखते हैं। जिस तरह इंसानों में सिद्धू संत होते हैं, उसी तरह नागों में सिद्ध नाग होते हैं जो किसी के भी शरीर का इस्तेमाल करके इंसानों का भला करते हैं। भारत के बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ विशेष लोगों के शरीर में नाग देवता सवारी के रूप में आते हैं और देश भर में नागों की कई मंदिर हैं। माना जाता है कि इच्छाधारी नाग के पास मणि भी होती है। हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार मनुष्य और 84 लाख योनियों के जीवों में कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि रहस्यमय हैं। उनमें से एक नाग भी है। प्राचीन काल में 30 से 40 फुट तक के नाग होते थे। श्री कृष्ण ने जिस सांप को मारा था वो करीब इतना ही बड़ा था। पौराणिक कथाओं में नागवंश और नाग कन्याओं का जिक्र भी मिलता है। महाभारत में उल्लेखित है कि पांडव पुत्र अर्जुन ने नाग कन्या उल्की से विवाह किया था। भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह भी एक नाग कन्या से ही हुआ था जिसका नाम अहिल्वती था और जिसका पुत्र वीर योद्धा था, लेकिन यह नाग कन्या इच्छाधारी नहीं थी। विज्ञान और सर्प विशेषक मानते हैं कि इच्छाधारी नागिन का चरित्र पूरी तरह से काल्पनिक है। हालांकि वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि नाग विश्व का सबसे रहस्यमय प्राणी है। ये थी SM News रिपोर्ट।